ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनएफ जो होगा वो फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होगा, ठीक है, आया यस समझ में? सर। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है वो हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। स्मॉल में लिखते हैं स्कैन एफ, ठीक है, ब्रैकेट इस टाइप का स्टार्ट करते हैं, और अगर हम लोग को कोई भी वैल्यू लेना है, मान लो कोई इंटीजर वैल्यू लेना है, कौन सी वैल्यू? इंटीजर, ठीक है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग का अगर वैल्यू हम लोग को 50 एंटर करना है, ये हम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे स्कैन एफ में? स्कैन एफ में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परसेंट डी, क्योंकि हम लोग इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिखना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रिंग, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ कॉमा डालेंगे, और उसके बाद जो भी वेरिएबल पे हम लोग को वैल्यू लेना है, ठीक है, वो वेरिएबल का नाम हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लो ए हम लोग को लेना है, ए इक्वल टू 50, ऐसा हम लोग को लेना है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू असाइन ना करके हम लोग रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रन टाइम पे इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं आया समझ में? ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्कैनर का यूज सर। करते ये हैं। सर हाँ ये एंड को क्यों रखें सर? बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझ में आया, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लोग को किसी वेरिएबल पे वैल्यू को स्टोर करना है, किसी वेरिएबल पे वैल्यू को स्टोर करना है, वो वेरिएबल क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरेज होता है, मतलब एक मेमोरी होता है, ठीक है, उस मेमोरी का एड्रेस होगा, जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो रैम पे अपना एक स्पेस बनाता है, वो क्या बनाता है, स्पेस बनाता है, ठीक है, उस रैम के अंदर इस टाइप की ब्लॉक्स होती है बहुत सारी, ठीक है, हर ब्लॉक का क्या होगा, एक एक एड्रेस होगा, ठीक है, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक एड्रेस होगा, हर ब्लॉक का एक एड्रेस होगा, ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान के चलो चालू हुआ ये 2001 से, ठीक है, अगला स्लॉट का क्या होगा, 2002 होगा, फिर 2003 होगा, ठीक है, ऐसा पूरा मेमोरी यहाँ पे बना होगा, और जो यहाँ पे जो वेरिएबल ए है वो इसी का इसी मेमोरी में जाके स्टोर होगा, मतलब ए के अंदर जो भी वैल्यू जाएगी वो इस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगी, ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, ये वाला एड्रेस है, ठीक है, जैसे हम लोग का कोई सोसाइटी होती है, जानते हो ना, कॉलोनी या फिर सोसाइटी, उसका भी एड्रेस होता है, हमारे घर का भी एड्रेस होता है, ठीक है, हमारे घर पे कौन रहता है, हम रहते हैं, है ना, तो हम मान के चलो अपने आप को वैल्यू मान रहे हैं, ठीक है, तो इस जगह तक वो पहुंचेगा कैसे, एड्रेस से पहुंचेगा, तो यहाँ पे जो एम परसेंट जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर, ऑपरेटर ठीक है, आया समझ में? तो ये एड्रेस को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखे एड्रेस ऑफ ए, क्या लिखे, एड्रेस ऑफ ए, मतलब यहाँ से जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो एक इंटीजर वैल्यू होगी, और वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ ए में, मतलब ए के एड्रेस पे जाके वो इसको स्टोर कर देगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट एक वेरिएबल बनाते थे इंट ए,
इस टाइप का ए इक्वल टू यस फिफ्टी, सर, ऐसा हम लोग कर दिए। ठीक है, तो हम यस लोग सर, बार प्रोग्राम को रन करेंगे तो हर बार वैल्यू 50 होगी। उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्कैनएफ से हम लोग रन टाइम पे इनपुट लेंगे। जितने बार प्रोग्राम हम लोग रन करेंगे उतने बार हम लोग को इनपुट के लिए पूछेगा, यस सर, ठीक है, उतने बार हम लोग को यहाँ पे इनपुट डालना पड़ेगा, और हम लोग हर बार नई नई वैल्यू डाल सकते हैं। ये फायदा है इसका, आया समझ में? ठीक नो है, कुछ दिक्कत है, सर। समझ में आया? सर ये एंड जब रन टाइम में करेंगे तभी इसका यूज करना है क्या, ऑपरेटर का ये हाँ, वाला एड्रेस ये सिर्फ और ऑपरेटर? सिर्फ स्कैनएफ के साथ ही यूज होगा। स्कैनएफ में ऐसा ही हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है, ये सिंटेक्स होता है इसका, यस सर, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे तभी काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो मैं सर इसको एक सिंटेक्स क्या, प्रोग्राम, हाँ बोलो। सर सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स मतलब सिंटेक्स लिखने का का तरीका, मीनिंग? ठीक है, यस सर, जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश का एक ग्रामर होता है, हिंदी पढ़ते हैं तो उसका यस सर, व्याकरण होता है, ठीक है, वैसे ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसका सिंटैक्स होता है समझ में? यस जैसे हिंदी सर, लिखते हैं तो हिंदी का भी कुछ रहता है हाँ ना, क ख ग घ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या रहता है, ए यस बी सी डी, इस टाइप से पूरा बने रहता है पहले से, इसी को यूज करके हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग दिस, सर, इसके बाद कुछ वर्ड होता है, इज लगता है या आर लगता है, ठीक है, ये ग्रामर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सर, हम लोग अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं और अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आया समझ में? चलो यस सर, एक प्रोग्राम हम लोग बना के देखते हैं, उसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ओपन करता हूँ टर्बो C++, और हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन का एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर, सर नहीं दिख रही। हाँ एक मिनट, वो पता नहीं अचानक से क्लोज हो गया, मैं इसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, अभी दिख रही है? यस सर, ओके चलो, यहाँ पे मैं ऑपरेटर्स भी बताऊंगा, और हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ, तो सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन एंड आउटपुट फंक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कॉन io.h, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे void main। ठीक है, इस टाइप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं गेट CH। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग ऊपर। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इंट नम यहाँ बनाया मैंने, ठीक है, नम मैंने बनाया इंटीजर टाइप का, ठीक है, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, देन उस पर लिख रहा हूँ CLRSCR। ठीक है, क्लियर स्क्रीन मैंने कर दिया।
अब मुझे इस नंबर में इनपुट चाहिए, नंबर में क्या चाहिए, इनपुट चाहिए। तो इनपुट के दो तरीके हैं, मतलब उस वेरिएबल को हम लोग को इनिशियलाइज करना है, वेरिएबल इनिशियलाइज करने का दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हम लोग डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दें इस प्रकार से, ठीक है, या तो हम लोग स्कैन एफ यूज करके हम लोग इनपुट ले लें, ठीक है। तो ये तरीका तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग स्कैन एफ लगाएंगे और हम लोग स्क्रीन से इनपुट लेंगे। आया समझ में? तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर ए नंबर, ठीक है। मैसेज हम लोग एक डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पे, हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि अब हम लोग को नंबर एंटर करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्कैन एफ, ठीक है, सब चीज हम लोग को स्मॉल में लिखना है, ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग चले जाएंगे, डबल कोट के अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीजर के लिए होता है, हाँ डबल कोट को स्ट्रिंग भी बोलते हैं सर। हाँ हाँ डबल कोट के अंदर जो लिखते हैं वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर जो लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख दिए परसेंट डी, ठीक है। परसेंट डी जो है वो हमेशा इंटीजर को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है एम परसेंट और हमारा वेरिएबल का नेम क्या है, नम, ठीक है, लिख दिया हमने, ठीक है। अब इनपुट लिए कि नहीं लिए कैसे पता चलेगा, हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। नाम की वैल्यू मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। कैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे, प्रिंट एफ हम लोग लिख लेंगे और यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश एन, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, स्लैश एन में लिया, यहाँ पे लिखेंगे इनपुटेड नंबर इज परसेंट डी, ठीक है, कॉमा देके मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे, नम, ठीक है। फिर मैं इसको कर देता हूँ सेव, सेव करते हैं यहाँ पे डी सी ए, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इनपुट डॉट सी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर लेंगे कंपाइल, ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, फिर उसके बाद हम लोग कर देंगे रन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पूछ रहा है एंटर ए नंबर, बताओ कौन सा नंबर डालो, क्या नंबर डालो, 50 डाल देते हैं, ठीक है। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुटेड नंबर इज 50, ठीक है, मतलब 50 इनपुट लिया, उसने स्टोर कर दिया उस नम नाम के वेरिएबल पे और नाम को ही हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, क्लियर है सर? समझ नहीं आ रहा है। देखो प्रोग्राम को समझना, ठीक है, हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है, इंट नम, जो कि एक वैल्यू स्टोर करता है, इतना समझ में आया, ठीक है, आगे, ठीक है। अब इन नंबर को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज करना मींस उसको एक वैल्यू देना है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है, सर, ठीक है। अब वैल्यू स्टोर करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो हम लोग नाम इक्वल टू 50 ऐसा दे दें, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, यस सर, लेकिन हर बार उसकी वैल्यू 50 ही होगी जितने बार हम लोग रन करेंगे, आया समझ में, हर बार उसकी वैल्यू 50 ही होगी। लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग चाहते हैं कि जब जब मैं प्रोग्राम रन करूं उतने बार मुझे वैल्यू पूछे, अभी मैं लास्ट टाइम क्या डाला था, 50 डाला था, अब मैं डालता हूँ 100, ठीक है, तो यहाँ पे 100 ले, आया समझ में अभी सर? ये कैसे आ रहा है सर, इनपुटेड वो तो यहाँ पे लिखे हैं ना हम लोग, नंबर, ये तो लिखे हैं हम लोग,
सर तो एंटर करने पर आता है ना, मतलब हाँ जब आप देखो 100 डाल देखो देखो, कोई। मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना, अच्छे समझना। सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ। देखो यहाँ जो एग्जीक्यूट होता है ना स्टेटमेंट, वो लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है। यस सर। सबसे पहले ये वाला प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो पूछा एंटर ए नंबर, पूछ रहा था अभी, ब्लैक कलर की स्क्रीन में दिख रहा था, यस सर। ठीक है। मैंने वहां सर एक उसके नंबर फ्रंट में डाला। क्या लिखा है? एंटर से पहले क्या लिखा है? स्लैश एन वो क्यों लिखा सर? बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब्र रखो सब्र रखो, बता रहा हूँ एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। एंटर ए नंबर पूछा, मतलब हम लोग ने एक मैसेज खुद से डिस्प्ले किया है ना, अपने आप नहीं आया है, हम लोग ने सब चीज यहाँ यस पे खुद से किया है। एंटर ए नंबर, यहाँ पे हम लोग ने एक मैसेज डिस्प्ले किया ताकि हम लोग को पता चले कि अब नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे पूछा एंटर ए नंबर, ठीक है, मैंने डाला 50, ठीक है। जब ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब वहां पे इनपुट देना है। क्या करना है? इनपुट देना है, इनपुट में हम लोग को वहां पे एक यस इंटीजर टाइप की वैल्यू डालना है। हाय समझ में? ठीक यस सर। है, मैंने डाला 50, डाल दिया। अब कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, क्या प्रेस किया? एंटर बटन होता है ना कीबोर्ड में, ठीक यस सर। हाँ है, एंटर बटन दबाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, यस स्कैन सर। ऐप से, ये वाला जो स्कैन ऐप है नीचे वाला जो स्टेटमेंट, इस स्कैन ऐप से वो 50 जो नंबर था वो इनपुट ले लिया और किसमें स्टोर कर दिया, नम नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया। किसमें स्टोर कर दिया? इस नम नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, जो कि एक इंटीजर वैल्यू थी। है समझ यस में? सर। इतना समझ में आया? आगे ठीक है, आगे इनपुट ले सर। लिया उसने, इनपुट ले लिया। अब उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से क्या होता है? डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो वहां पे प्रिंट हुआ, इनपुटेड नंबर इज %D, %D की जगह पे नम प्रिंट हो गया, नम की वैल्यू जो भी थी वो प्रिंट हो जाएगा। आया समझ में? यस क्लियर अभी? ठीक है, सर। अब आते हैं स्लैश एन, हम लोग ने यहाँ पे क्यों लिखा ये स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन। क्या होता है? न्यू लाइन, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लैश एन, एंटर के बाद हम लोग को न्यू लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्लैश एन, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो एंटर के बाद क्या आ गया, न्यू लाइन आ गया, दिख रहा है, ये नंबर नीचे चले गया, ठीक है। मतलब वहां पर यस बीच में सर। मैंने एक न्यू लाइन डाल दिया, ठीक है। ए के बाद भी अगर मुझे न्यू लाइन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ए के बाद भी यहाँ पे स्लैश एन लगा दूंगा, इसका मतलब ए के बाद भी न्यू लाइन मुझे मिलेगा। देखो और नीचे हो गया, ठीक है, वैल्यू इनपुट दिया। यस सर। और यहाँ पे भी देखो, इनपुटेड के जस्ट पहले एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है, और जो नंबर कोलन 45 उसके बाद भी एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है, यस सर। गैप दिख रहा है दोनों में, वो न्यू लाइन है, यस सर। ठीक है। इनपुटेड के यस पहले भी सर। मैंने क्या लिखा है, स्लैश एन लिखा है। आया समझ में? ठीक यस सर। आ है, गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्कैन एफ का यूज करते हैं और प्रिंट एफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन, ठीक है। स्कैन एफ को हम लोग क्या यस बोलते सर। हैं, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, क्लियर है, समझ में आया? नहीं ठीक है, कुछ डाउट है क्या? सर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और कंप्यूटर वगैरह है आपके घर में?
सर ठीक है, है, लैपटॉप इसको लैपटॉप है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको रन करके देखना है एक बार, ठीक है, जब रन करके है। देखोगे ना यस अपने आप समझ में आ जाएगा, सर, यस ठीक है। कर लोगे रन, टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर लिए हो, सर, यस सर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको रन करके देखना, ठीक है, फिर आगे के प्रोग्राम्स हम लोग कर और देखेंगे। हाँ बोलो। ये एक ही चैप्टर के टॉपिक्स है ना सर? हाँ, अभी फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है, यस सर। ठीक है, अभी बहुत सर और सारे ये तीनों एग्जाम एक साथ होते हैं कि अलग नहीं, अलग अलग होगा ना एग्जाम, तो अलग अलग होगा, अलग? यस सर, ठीक ठीक, है, तीन सब्जेक्ट है तो तीन अलग अलग एग्जाम होगा। यस सर। जो डाउट रहता है पूछ सकते हैं ना, मतलब जो पहले के छुड़ गए हैं हाँ पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ क्लासेस? सकते हो। अभी देखो ऑपरेटर्स यस सर, मैंने ठीक कराया, ठीक है, हम लोग पढ़ लिए ऑपरेटर्स, ठीक है, अब उसका एक एक प्रोग्राम बना के देखेंगे, है ना, है, यस सर, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ हम लोग प्रोग्राम्स देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगी उसमें, ठीक है। इसको एक बार रन सर, करके देखना, और जितने भी प्रोग्राम मैं कल से कराऊंगा सबको रन करके देखना है, ठीक है। जब तक यस प्रैक्टिस सर, नहीं करोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद दिमाग से उड़ जाएगा, ठीक है, यस डेली डेली प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आते जाएगा पूरा, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू। यस सर।